आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चों को अधिक देर तक डायपर पहनाने से हो सकता है यूटीआई का खतरा। आजकल पेरेंट्स बच्चों को घर में या बाहर ले जाते समय उन्हें डायपर पहना देते हैं ताकि उन्हें बार बार चेंज ना करना पड़े। पेरेंट्स कई कई घंटों तक बच्चों को डायपर पहना कर रखते हैं जिससे बच्चे उसी में पेशाब और पॉटी करते रहते हैं। 4-5 घंटे तक बच्चे का डायपर ना बदलने पर उनकी स्किन पर रैशेस जैसी समस्या को आप छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसके कारण बच्चों को यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। डायपर बदलते समय भी स्किन पर मल मूत्र के कुछ अंश रह जाने के कारण बैक्टीरिया पनपने लगता है जो फंगल इन्फेक्शन की समस्या पैदा कर सकते हैं। बच्चों की स्किन सेंसिटिव होने के कारण उन्हें इस बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो आइए जानते हैं क्या है इसका कारण। डिस्पोजेबल डायपर को छोटे छोटे ग्रेन्यूल जैसे हानिकारक केमिकल से बनाया जाता है। डायपर की आउटर लेयर रिफाइंड प्लास्टिक पॉलिथीन की बनी होती है जो ग्रेन्यूल द्वारा एब्सॉर्ब किए गए यूरिन को बाहर नहीं निकलने देती। इस लेयर के कारण स्किन के पास हवा नहीं पहुंचती और ये बच्चे की स्किन को नुकसान पहुंचाती है। डायपर से होने वाली समस्याएं। कई पेरेंट्स बच्चों को 4-5 घंटे से भी ज्यादा डायपर पहनाते हैं जिसके कारण वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। डायपर के कारण यूटीआई, जांग पर रैशेस, टांगों में दर्द, गंदे डायपर से इन्फेक्शन, चिड़चिड़ापन, यूरिन पास करते समय दर्द या जलन और स्किन में सूजन जैसी परेशानियां हो जाती है। तो आइए जानते हैं कैसे करें इसका उपचार। डायपर से होने वाले यूटीआई को दूर करने के एंटी रैशेस क्रीम और कॉर्न स्टार्च युक्त एंटी फंगल टेलकम पाउडर का इस्तेमाल करें। इस पाउडर को डायपर पहनाने से पहले स्किन पर लगा दें। इससे त्वचा ड्राई और सॉफ्ट रहती है। आप डॉक्टर की सलाह से इसके लिए बच्चों को एंटीबायोटिक मेडिसिन भी दे सकती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे बच्चे को अधिक देर तक डायपर पहनाने से हो सकता है यूटीआई। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटिफुल विद मी।